विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। बंसीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। हेमंत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है। सरकार की विफलता के कारण यहां के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। उक्त बातें पूर्व मंत्री से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामचंद्र केसरी ने कही। वे शनिवार को चेचरिया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के काल में शिक्षा के क्षेत्र में कई निर्णय लिए गए। कोडरमा, पलामू, रामगढ़ व जमशेदपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर आज तक इन कॉलेजों को चालू नहीं होने दिया, जबकि 100 करोड़ की लागत से बने सभी भवन बेकार पड़े हैं। साथ ही आज तक हेमंत सरकार ने इन कॉलेजों के लिए शिक्षकों व कर्मियों का पद सृजन भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ अलग होने वाले राज्यों छत्तीसगढ़ में 14 व उत्तराखंड में 9 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं। साथ ही बिहार से बंटवारे के बाद 35 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, जो यहां के लोगों के साथ छल है। केसरी ने कहा कि चुनावी वादे के ठीक उलट हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। अपराध हो, रोजगार हो या विकास कार्य, हर मोर्चे पर हेमंत सरकार फेल है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क, वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम जायसवाल, मथुरा पासवान, प्रकाश चंद्र सेठी, सोबराती खान सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज का प्रेस वार्ता के संबंध में बताया जाए। आज का प्रेस वार्ता के संबंध में ये बताना है कि आज शिक्षा के संबंध में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में महाविद्यालय एक ही है, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही है, वह भी 1950 का है, जब बिहार और झारखंड एक में था। बिहार और झारखंड एक में था तब 4 विद्यालय थे, जिसमें 3 झारखंड बिहार में चले गए। बिहार में तो 35 नए विद्यालय बन गए, 38 हो गए वहाँ। वहीं अलग राज्य हुआ उत्तराखंड, तो वहाँ 9 बन गए। छत्तीसगढ़ में 14 बन गए, लेकिन झारखंड में भी एक भी नहीं बढ़ा। रघुवर दास की सरकार, भाजपा की सरकार ने यहाँ शुरू किया था जबरदस्त, पलामू में, गोड्डा में, आपको जमशेदपुर में और आपको गोला में 4 विद्यालय बन करके तैयार है। 15-16 में ही तैयार हो चुका है। उसकी सारी व्यवस्था करना चाहिए था वर्तमान सरकार को, अभी तक हैंडओवर भी नहीं लिया। इस सरकार ने कोई काम इस सरकार ने शिक्षा के संबंध में नहीं किया। झारखंड सरकार में हमारी जब सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, जहाँ विकास का चौतरफा कार्य हो रहा था, वहीं पर उग्रवाद को रोकने का, आतंकवाद को रोकने का काम रघुवर सरकार ने किया था। और शिक्षा के मामले में 4-4 महाविद्यालयों का उन्होंने निर्माण करवाया और आगे और भी कार्य कर रहे थे शिक्षा के बारे में, लेकिन वर्तमान सरकार आई तो उसको कोई चिंता इसके लिए नहीं। लाखों विद्यार्थी बाहर जाते हैं और जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जिसमें भी सरकार का अंश है, प्राइवेट विद्यालय में तो बहुत शिक्षक योग्य छात्र जाते हैं, नाम लिखवाते हैं, उनको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें उनको लाभ होता है, ये काम होता है। प्राइवेट विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ नाम लिखवाने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए काम हो रहा है। वो तो लगभग 17 विद्यालय इस तरह के। ठीक।